साउथ इंडिया से आते, साउथ इंडिया उड़पी से श्रृंगेरी मठ से आते, खाली वही सूखे पूजा पाठ कर सकते, इसके अलावा किसी को टच करना अलाउ नहीं है, खाली नमस्कार नमस्कार वाला सिस्टम है यहाँ. Just one more, because he may touch it. Ye chulega. So they have three pujaris, all with the prefix tree. From Udupi, who are facilitating the puja, only they're allowed to touch the Shivalinga. They're not allowed to touch it. If in doubt, just keep to yourself. Fine, everyone? But you, if you give a crore, you can touch it. Yeah, you said that. I heard you. और इसको पशुपतिनाथ क्यों बोलते हैं? ये पशुपतिनाथ का टेंपल 1480 ईयर्स ओल्ड है, 1480 साल पुराना. एक टाइम जैसे आप लोगों को पता होगा महाभारत का युद्ध हुआ था, महाभारत के युद्ध में पांडव लोगों को विजय प्राप्त हुआ, कौरवों को पराजय प्राप्त हुआ. तो उन्होंने अपने फैमिली के मेंबर को मारने के लिए, गुरुजन भाई बंधु उनको मारने के लिए उनको ब्रह्म हत्या का दोष लगा. तो वो ब्रह्म हत्या के दोष के निवारण के लिए शिवजी भगवान के पास केदारनाथ के जंगलों में गए. वहाँ पे जाके देखा शिवजी भगवान ने दर्शन नहीं देंगे, एग्जाम लेंगे बोल के 1000 बफेलो का रूप धारण कर लिया. तो 1000 बफेलो में कौन सा शिव कोई बफेलो पांडवों को पता नहीं चला. तो पांडवों में जो भीम था उनको पहाड़ पे पैर तोड़ा करके खड़ा कर दिया और एक एक करके सब बफेलो को पैर के बीच में से निकालना शुरू किया. तो 999 निकल गए, शिव रूपी बफेला इधर इधर भागने लगा. तो पांडव लोगों को पता लगा कि ये शिव कोई भैंसा है. तो पांडवों में जो भीम था उन्होंने पहाड़ पे पूंछ पकड़ के खींचना शुरू किया. तो खींचा पानी में दो भाग हो गया, दो भागों ने सिर से नीचे का भाग वही केदारनाथ में हाफ पार्ट, सिर से नीचे का पार्ट केदारनाथ, और सिर का भाग जो जमीन के अंदर चला गया वो टाइम बीतता गया पता नहीं चला कहाँ गया. तो गोपाल वंश राजा के टाइम यहाँ पूरा जंगल हुआ करता था, जंगल में एक कांदिनू नाम की गाय हुआ करती थी, वो रोज आती इस जगह पे दूध लाती थी. तो जाके देखा उस जगह का खुदाई किया तो नेचुरल शिवलिंग निकला. गाय पशु है, पशु ने दूध गिरा के पता लगाया, इसलिए इसको पशुपतिनाथ. पशुपतिनाथ मीन्स पशु पा से मुक्ति, पशु तो भाग से मुक्ति दिलाने वाला परमात्मा पशुपतिनाथ. और एक बार मनुष्य इसका दर्शन कर ले दोबारा पशु योनि में जन्म नहीं लेना पड़ता, इसका शास्त्रों पुराणों में लिखा हुआ है. और आप अंदर कहीं पे भी इंडिया में जाएंगे देखेंगे सिर्फ निराकार लिंग का दर्शन होता है. इधर लिंग के ऊपर आपको चार साइड में चार फेस का दर्शन होता है, उसका नाम है सद्योदात वामदेव तत्पुरुष अघोर, और ऊपर का जो दृश्य है उसको ईशान, इसको पंचमुखी महादेव पशुपतिनाथ बोलते हैं. चेहरा होने की वजह से इधर टच करना अलाउड नहीं है. और यहाँ क्या है जैसे रुद्राक्ष वगैरह लेके जाते हैं अंदर शिवलिंग में टच करके रिटर्न दे देते हैं, यहाँ का प्रसाद बोल के फूल बिलपत्र वगैरह शिवलिंग पर कुछ भी नहीं चढ़ता है. तो यहाँ का प्रसाद बोल के रुद्राक्ष होता है. तो रुद्राक्ष लेके लेके जाएंगे तो अंदर गुरु जी को देते हैं साउथ इंडियन पीस को, वो शिवलिंग को अभिषेक करके आपको घर ले जाने के लिए दे देते हैं. तो रुद्राक्ष क्या यहाँ से पहले लेके जाते हैं, जैसे मंदिर जाने से पहले रुद्राक्ष क्यों लेते हैं, इसलिए लेते हैं ताकि अंदर टच हो जाए शिवलिंग को. जैसे पहना हुआ नहीं करते, फ्रेश रुद्राक्ष माला देते तो वो अंदर शिवलिंग को टच करके रिटर्न दे देते हैं. This is part. Part is in Kedarnath, part is over here. And the Shivalinga here is a Swayambhu, which means it appeared naturally. It's not human made. It's just come from the ground. Which is really awesome in Sanatana Dharma that so many of our mandirs are so natural. The speculation or the inference is that all five sides of the Shivalinga are a face of Bhagavan Shiva. And one on top too. We chant this in our arti for those who pay attention to that. That's why you can't touch it. You're touching Bhagavan Shiva's face. So they don't put anything on the Shivalinga. Nothing is touched on the Shivalinga, including milk, etc. In terms of prasad, like I have a mala in my pocket. I can't tell them to touch my mala to the Shivalinga. They won't do that. All you can do is, if you wish, you can buy a Rudraksha on the way. I'm sure there's places you can buy. That they'll touch and give back to you. But what you have on now, they won't touch and give back to you. So that's some of what has been shared in a simple way. He was also sharing how if you come here, this is the Bhagavan that makes you not a Pashu. So a Pashu means someone who lives by seeing is believing. They only live by their senses. So the notion is that only those who are thoughtful will go deeper and realize that they're not animals, they're not humans, but they're divine. So this is the place where you're really supposed to feel not to live as a human, not to live by the body. ओके okay? और जैसे रुद्राक्ष वगैरह लेना तो यहाँ अपना शैलेश भाई के जान पहचान का दुकान है अग्रवाल रुद्राक्ष भंडार, वहाँ पे आपको पूरा सर्टिफाइड मिलेगा. लेने का इच्छा है तो ले सकते हैं.
मंदिर में क्या आपको शिवलिंग को टच करके रिटर्न दे देंगे। और मंदिर के अंदर जैसे कोई भी पुलिस वाले से कोई भक्त भी जैसे कि आप कोई गेस्ट होता है वो पुलिस वाला से ऐसे कर दिया तो क्या उसको धक्का दे देता है, तो वैसा मत करना temperamental. I don't have to say that. Don't push the police, okay? I'll translate. In general, don't push. It's important for us to stay together. Yes, stay together. And Shailesh is like Amazon. There's a lot of vertical integration. So he has a Rudraksha shop here, which is, it is encouraged for you to purchase from there for authentic reasons and financial reasons and so on. आपको पता है famous Nepal में होता है, और world में रुद्राक्ष कहीं से भी लीजिए Nepal में होता है रुद्राक्ष, जो Nepal का famous होता है रुद्राक्ष बोलने से Nepal का ही famous है, इसलिए यहाँ से क्या रुद्राक्ष लेके जाते हैं सर। Actually before we left, Shailesh has told me that he will take us to this one place where he has found out that they're very authentic. If we need to buy, we can. Otherwise, he did gently say, "This is only if you want." So he'll specify. I think there's a shop, Agarwal something. Yes. So if you do want to get one, buy it from there. And also, if you have not got any money today for some reason to buy, Shailesh said that's fine. You can pick something and you can write it down with your name and he will. Okay, so Eos, Narayan, you're gonna go. What is your name? Utkarsh. You're gonna go with Utkarsh. So that's that. And if anyone needs funds, you really need funds. So we have communal funds. This is correct? You got some funds yesterday. If you need funds for whatever reason, please talk to Anuradha. She has communal funds for us right now. Yes? The shop you don't need to pay right now, but in general, for whatever reason, can ask her. Clear? Yeah. So, Eos and... Anton, usko pachi pachi himmat reho. Kati mo teresh. अर्काउन ना यहाँ ना पाए समझ मैं आज पैसा ना पाए समझ भाई Thank you.
Thank you.